नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज एपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का, जो दोस्तों मेरा हैंड रिटन दोस्तों नोट्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें दोस्तों क्या है कि मैं इसमें एक सिलेबस में दिया कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट दोस्तों, तो सेक्शन 5 तक दोस्तों हम लोगों ने अगले वीडियो में कवर किया था। अब सेक्शन 6 से हम लोग आगे कवर करेंगे दोस्तों। ये दवा जो है इसमें से बहुत सारे दवाइयाँ जो है कि मेडिकल में यूज होती हैं, हॉस्पिटल में यूज होती हैं। अगर आप इसको जान जाएंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो ये दोस्तों जान जाएंगे बेनिफिट रहेगा। और जो फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट में दोस्तों फार्माकोलॉजिकल लिखना रहता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो लिखना रहता है उसमें आप आसानी से लिख सकेंगे कौन से डिजीज़ में कौन सा मेडिसिन यूज होता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। इसमें दोस्तों है एंटी इंटेस्टाइनल, जो पेट में कीड़ा वगैरह दोस्तों पड़ जाता है उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, वो जो होता है एल्बेंडा, जो आप लोगों का नाम सुना होगा, और पिपराजीन आता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एंटी फाइलेरियम कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं। यहाँ देखा डाई इथिल कार्बामाजाइन सिट्रेट होता है दोस्तों। ठीक, इसमें 50 mg में आता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करेंगे दोस्तों एंटीसाइस्टोमल एंड एंटी रेमेटोड मेडिसिन। ठीक, इसमें दोस्तों एक टैबलेट आता है, वो है प्राजिक्यूटेल। ठीक, 600 mg में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जो बीटा लैक्टम मेडिसिन होती है एंटी बैक्टीरियल में, एंटीबायोटिक्स जो होती है बीटा लैक्टम में कौन कौन सी, ये दोस्तों आपको वाइबा में भी पूछ सकता है, बीटा लैक्टम की ड्रग बताइए। तो दोस्तों इसमें आता है एमोक्सिसिलिन, एम्फीसिलिन। ठीक, इंजेक्शन में आता है दोस्तों एमोक्सिसिलिन, और कैप्सूल में भी आता है और पाउडर में आता है। ठीक, फिर बात करेंगे नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों क्या है, बेंजाथीन और सिफोटैक्सिम और सिप्टाजिमिन। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये दोस्तों अपने नोट्स में आप उतार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर 10 ड्रग रोज़ याद करेंगे दोस्तों तो आपका पूरा ड्रग याद हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं बीटा लैक्टम की, जो सेप्टिया जो दोस्तों बहुत ही कॉमन दवा है जो कि यूज होती है हॉस्पिटल में, मेडिकल में। ठीक, बहुत से ब्रांड नाम से आती है। और दोस्तों सिफेलेक्जिम है, क्लोक्सासिलिन है, एमोक्सिसिलिन, क्लेवनिक एसिड है। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों सिफिक्जिम आ जाता है बीटा लैक्टम के अंतर्गत। फिर बात करेंगे अदर एंटीबैक्टीरियल्स जो होते हैं दोस्तों, एमिकासिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, एमिकासिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमिकासिन। ठीक, ये सब है दोस्तों एसेंशियल ड्रग ऑफ मेडिसिन लिस्ट। कोट्रिमोक्साजोल दोस्तों हो सकता है, सिप्रोफ्लक्सासिन हो सकता है। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इंजेक्शन फार्म में आता है और टेबलेट फार्म में आता है। डॉक्सीसाइक्लिन भी आता है दोस्तों, एंटीबायोटिक है जो कि जैसे कि महिलाओं में दोस्तों ज़्यादा यूज होता है डॉक्सीसाइक्लिन, जब वो पीआरडी इन्फ्लामेशन रहता है दोस्तों। जेंटामाइसिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, मेट्रोनिडाजोल भी एंटीबायोटिक है, नाइट्रोफेंटोइन भी एक एंटीबायोटिक है जो कि दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, नाइट्रोफेंटोइन। ठीक, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, वेंकोमाइसिन दोस्तों बच्चों में ज़्यादा यूज होता है वेंकोमाइसिन, और ठीक है, इंजेक्शन के फार्म में आता है। अब बात करके एंटी लेप्रोसी मेडिसिन, जो दोस्तों लेप्रोसी अगर किसी को हो जाता है तो उसमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, क्लोफाजिमिन है दोस्तों, डेप्सोन है, रिफाम्पीसिन है। रिफाम्पीसिन दोस्तों टीबी में भी यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज होता है। ठीक, फिर बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दोस्तों जो है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उसके बारे में जानेंगे। इथंबुटान है, आइसोनियाजाइड है, अप्लक्सासीन है दोस्तों, पायरेजिनामाइड है, रिफाम्पीसिन है। देखिए दोस्तों रिफाम्पीसिन यहाँ भी यूज हो रहा था, यहाँ भी यूज हो रहा था, और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है दोस्तों। ठीक, ये दोस्तों एंटी ट्यूबरकुलर ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। एक आता है दोस्तों 84 करके टेबलेट, उसमें सब ये दवा आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। 84 अगर किसी को खिलवा दे रहे हैं टीबी है तो ठीक हो जाता है, 84 में सभी टेबलेट का जो डोजेज है उसमें दोस्तों आ जाता है, 4 या 5 टेबलेट उसमें रहता है।
फिर बात करेंगे दोस्तों एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं, कौन कौन से आते हैं। एंटी फंगल में दोस्तों कोट्रीमाजोल आता है, फ्लूकोनाजोल आता है, ग्रीसीफ्लुविन टैबलेट के फार्म में आता है दोस्तों, कैप्सूल के फार्म में दोनों आता है, निस्टाटिन आता है, एम्पोटेरिसिन बी आता है। ठीक, एंटी फंगल ड्रग। अगर दोस्तों एक एक कैटेगरी आप याद करेंगे रोज तो आपको याद हो जाएगा, आसानी से आप किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ डिफार्मा कर रहे हैं तो कुछ तो नॉलेज है आपको। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंटीवायरल ड्रग के बारे में जानेंगे। एंटीवायरल दोस्तों एसाइक्लोवीर दोस्तों होता है, एसाइक्लोवीर ये दोस्तों टैबलेट इंजेक्शन सस्पेंशन के फार्म में आता है। ये दोस्तों जिसे चेचक वगैरह किसी को हो जाता है या वायरस से रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं जो इसमें यूज किया जाता है। ठीक, फिर बात करके एंटीवायरल मेडिसिन दोस्तों जो रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर होते हैं वो दवा दिए गए हैं, अब इसको देख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नॉन निकोलोटाइड्स में दोस्तों आता है ये दोस्तों, ये सब दवा उतना यूज नहीं होता तो इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा दोस्तों। ठीक, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिंस, एंटी प्रोटोजोअल में दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटोजोअल जैसे डायरिया वगैरह होने लगता है तो उसमें दोस्तों मेट्रोनिडाजोल ज़्यादा यूज होता है, टैबलेट इंजेक्शन और टैबलेट के फार्म में दोस्तों आता है। ठीक, फिर बात करेंगे एंटीलेस मनियासिस मेडिसिन दोस्तों जो होते हैं, एम्पोटेरिसिन भी होते हैं। ठीक, पेंटामाइडिन होता है और सोडियम होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग जो होता है दोस्तों फॉर द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। मलेरिया में दोस्तों कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं इसे समझ में आ रहा तो अपने नोट्स में आप इसको नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, क्लोरोक्विनिन दोस्तों आता है, ये दोस्तों क्लोरोक्विनिन जो है आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा और फार्माकोलॉजी में भी मिलेगा। प्राइमाक्विनिन होता है, पायरिमेथामिन होता है दोस्तों। ठीक, ये सब एंटी मलेरियल ड्रग है दोस्तों। क्विनिन होता है और सल्फाडेक्सिन, पायरिथिनामाइन होता है दोस्तों, क्लिंडामाइसिन होता है और मेफ्लोक्विनिन होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सेवन के बारे में। सेक्शन सेवन दोस्तों जैसे कि एंटी माइग्रेन, माइग्रेन किसी को दिमाग की बुखार माइग्रेन दोस्तों हो गया है उसमें कौन कौन सी जो यूज होती है दोस्तों उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है दोस्तों और पैरासीटामॉल होता है, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड होता है, प्रोफाइलेक्सिस में यूज होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक में जैसे जो कैंसर वगैरह में दोस्तों यूज होता है दवा उसके बारे में हम जानेंगे। एजाथियोपरिन होता है दोस्तों, साइक्लोस्पोरिन होता है, साइक्लोस्पोरिन टेबलेट होता है दोस्तों एंटी कैंसर में, यू न्यूप्लास्टिक मतलब कैंसर दोस्तों होता है। ठीक, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन दोस्तों है, इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप नोट्स में लिख के अच्छे से पढ़िएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों इसीलिए ज़्यादा तेज चल रहे हैं, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। बात करेंगे दोस्तों एंटी पार्किंसन डिजीज, एंटी पार्किंसन डिजीज आप फार्माकोलॉजी में दोस्तों पढ़ेंगे उसमें दोस्तों कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है, लियोडोपा कार्बिडोपा होता है दोस्तों, ब्रोमोकिप्टिन होता है। ठीक, और ये तीसरा ये होता है 2mg में दो दोस्तों आता है। फिर बात करेंगे सेक्शन 10 के बारे में दोस्तों, मेडिसिन अफेक्टिंग ऑन ब्लड, ब्लड एंटी एनेमिक जो दोस्तों ब्लड होते हैं, जैसे एनीमिया किसी को हो गया तो साइनोकोबालामिन दोस्तों आप लोगों ने जो देखा होगा, साइनोकोबालामिन एक नॉर्विक गोल्ड इंजेक्शन आता है उसमें साइनोकोबालामिन मिला रहता है। फेरस सल्फेट भी दोस्तों है, फ्यूरमिक फोलिक एसिड भी होता है। ठीक, जो मल्टी विटामिन दोस्तों खाते हैं उसमें ये सब पाया जाता है, जो कि अगर ब्लड की कमी है आपको तो उसको पूरा करेगा।
बात करेंगे दोस्तों मेडिसिन इफेक्टिंग कागुलेशन। कागुलेशन में दोस्तों कौन कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है, हिपेरिन सोडियम दोस्तों है, प्रोटामाइन सल्फेट है, इनरोक्जेपीन है दोस्तों, ठीक। ये सब दोस्तों दवा के लिस्ट हैं, इनको इतने आसानी से याद नहीं होंगे, ये इनको लिख लिख के धीरे धीरे याद करना होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये सब नॉलेज वाली चीज़ है, अगर आप डी फार्मा कर ले, कोई पूछ ले इस कैटेगरी का ड्रग बताइए, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक। वीडियो पूरा देखने के दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।